हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिसमस केक यानी प्लम केक की रेसिपी। तो दोस्तों, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो प्लम केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 रुपये वाली फ्रिज, जो कोल्ड ड्रिंक आती है। तो ये एप्पल वाली है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऑरेंज जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब लेंगे हम एक बाउल, इस बाउल में हम डालेंगे फ्रिज। तो ये लगभग 1 कप के करीबन फ्रिज है। इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप ऑलमंड्स यानी बादाम। इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप किशमिश और 1/2 कप टूटी फूटी। अब इसको मैं आधा घंटा के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। तो आधा घंटे बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप पाउडर्ड शुगर यानी पीसी हुई चीनी। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इस पर रखूंगा मैं छलनी, इसमें डालूंगा मैं 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। 1 टीस्पून डालूंगा मैं बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इन सभी को मैं अच्छे से छान लूंगा। इन सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब विस्कर की सहायता से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट का मिक्सर जो हमने प्रिपेयर किया था आधा घंटे पहले। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर है। तो इसी तरह का हम इसका बैटर बनाना है। अब इसमें डालूंगा मैं 1 स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, और सिरका डालने के बाद मैं इसको एकदम हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगा लगभग 4-5 सेकेंड के लिए। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा जो बैटर है एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने केक टिन को रेडी कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने ब्रेड टिन, तो इसमें मैंने लगा दिया एक बेकिंग पेपर, तो इसमें डाल दूंगा मैं हमारा बैटर। तो बैटर डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 बार टैप कर दूंगा ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। तो चलिए इसको बेक करते हैं। इसको बेक करने के लिए यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रेशर कुकर की सीटी मैंने हटा दी है और उस कुकर को मैंने लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। तो इसमें रख दिया मैंने एक जाली स्टैंड, इसमें रख देंगे अब हमारा केक टिन। तो केक टिन को अच्छे से सेट कर देंगे कुकर में। तो इसको हम ढक देंगे, इसको लगभग 45 से 50 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक वो बेक हो चुका है। यहाँ पे लिए मैंने टूथपिक से हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारा केक है वो अंदर से कम्प्लीटली बेक है या नहीं। तो टूथपिक एकदम क्लीन है यानी हमारा केक एकदम बेक हो चुका है। तो इस केक टिन को हम बाहर निकाल लेते हैं। केक टिन को मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैंने लगभग 1.5 घंटा के लिए ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक नाइफ और इसके नाइफ से हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे। अब इस केक को हमें पलट लेना है और इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है यानी पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। और इसका जो बेकिंग पेपर है इसको हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो इसको पूरी तरह ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने एक ब्रेड नाइफ से हम इसको काट लेंगे। तो दोस्तों, आप देखते थे कितनी आसानी से कट रहा है और आप देख रहे थे इसका अंदर का टेक्सचर कितना जालीदार लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।